महाराजगंज और फिर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एंड अभी हम खड़े हैं यहाँ पे महाराजगंज के मेन चौराहे पे, और मेन चौराहे पे एक जगह है जिसका नाम है विनोद बिरयानी की पुरानी दुकान। बिरयानी की दुकान बंद है, बट बगल में एक लस्सी कॉर्नर दिखाई दिया मुझे, और काफ़ी टेम्पटिंग लगा इनके इस ग्लासेस को देख के। देखिए मैं आपको दिखाऊँ कुल्हड़ जो इनके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लगता है कि लस्सी ही बिकती है। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स ओवर हियर। तो अंकल हमारा निकाल लेंगे जी। अच्छा, तो ये हमारी लस्सी तैयार हो रही है और ये खोआ है। खोआ है तो पहले आप अपना एक बार नाम बताए थे लोगों को। शकील अहमद। तो ये शकील जी हैं और ये खोआ डाला है इन्होंने, उसके ऊपर से दही का साड़ी मलाई। साड़ी मलाई, मलाई दही की गली को बुझाता। बहुत बढ़िया। और ये चिरौजी नहीं, अभी किशमिश पड़ी है। किशमिश और चिरौजी हम पड़ेगी चिरौजी। तो ये हमारी लस्सी तैयार और इस छोटे से चम्मच के साथ मिलेगी हमें। खैर ये बताएं, आप कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 20 साल से। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने ग्लास लस्सियाँ बेच देते होंगे अंकल? कम से कम यहाँ बिक्री होती है 15,000-20,000 पर डे। अच्छा, तो आज जैसे 2 दिन लॉकडाउन है, हाँ, इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे थे। इधर मेरा बिरयानी का दुकान। अच्छा, ये आप ही की दुकान है? अरे बढ़िया, ये बढ़िया। तो आपके दिन देख रहा हूँ 2 कस्टमर लोग हैं अभी। तो आज तो भीड़ कम है, कल आइएगा तो बात करने का मौका नहीं। अच्छा ऐसा, चलिए तो फिर हम सही समय पे आए, कम से कम आपसे बात करने का मौका मिला। 1 बजे आइए जी, तब यहाँ पर देखिए क्या क्वालिटी है। अच्छा, क्या विशेषता है आपकी लस्सी की? जैसे मैं देख रहा हूँ सामने भी वहाँ एक लस्सी की दुकान है। अभी वो अब 20 साल वो खोले हैं पहला। अच्छा, आपके देखा देखी? हाँ, सामने देखा देखी खोले हैं। वो जो है रेडीमेड दही ले आके बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें वो मजा नहीं है। हम जो है दूध का दही जमा कर उसको। तो किसका, जैसे दूध खरीदते हैं कि घर के? नहीं, दूध खरीद के भैंस का। भैंस का, हाँ, दूध खरीद कर उसके बाद जमा कर तब हम बनाते हैं। अच्छा, तो हम ये पूछेंगे कि एक खासियत बताइए अपनी लस्सी की, कि जो भी महाराजगंज आए वो आपकी लस्सी की दुकान छोड़ के दूसरे वहाँ ना जाए। लस्सी की दुकान भाई जान इस रोड पर 15-20 को, इस रोड पर भी है। जी 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 जी, हर जगह इधर जाइएगा, कहीं 20 रुपया मिल जाएगा आपको, कहीं 15 रुपया लस्सी मिलेगा। सही है, यहाँ एक रेट है 35 रुपये। 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया सबसे महंगी लस्सी है। ये विशेषता तो नहीं हुई। खैर, तो इस महंगी लस्सी का कारण क्या है ये बताइए। यही है कि इसमें जो दूध का हम लोग जमाया जाता है भाई, तो दूध का उसमें मीठापन और घी जैसे मैंने उतना स्वाद जो है वो लज्जत नहीं। ठीक है, सही बात है, वो तो हम बताएंगे पानी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दही जमा के वो करते हैं, जैसे फेरी का दूध लेते हैं जी, उसको दही जमाएंगे तो उसमें तो आपका मक्खन निकल जाता है। हाँ हाँ, सही बात है, वो क्वालिटी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये पानी क्या, ये प्याऊ का इंतजाम है क्या यहाँ पे? ये मटके के पानी है, इसमें हमेशा ठंडा, तो कोई भी पी सकता है सबके लिए। चलिए, ये तो पुनीत काम है एक तरह से कहा जाए। बिरयानी जो खाते होंगे उन लोगों के लिए भी यहाँ पे हो ही जाता होगा। अंदर तो सबसे बढ़िया बात ये कि ठंडा पानी मिलेगा, फ्रिज का नहीं मटके का मिलेगा, और साथ में मिलेगी ये लस्सी का शानदार सा दिखने वाला ग्लास। अभी हम टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमें कैसी लगी। ये हमारी लस्सी इंटेंडिंग टू डैट एंड बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिली है। सो खाने से ज़्यादा पीने पे कंसंट्रेट करते हैं। एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि जो मक्खन का स्वाद आप कह रहे थे, पूरा का पूरा मक्खन का स्वाद है वो वाला। जैसे भाई यार लॉकडाउन में भी 2 मटेरियल हमें हमारे पास नहीं है, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो गया है। कोई बात नहीं, सो आफ्टर टेस्टिंग इट आई प्रोवाइड यू रिव्यू आफ्टरवर्ड्स।
ओके सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अंकल जी की लस्सी। और अंकल जी की लस्सी की बात करें तो महाराजगंज में 35 रुपये की लस्सी थी, 5 रुपये उन्होंने चार्ज किया कुल्हड़ का। और 35 रुपये में मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी लस्सी टेस्ट की है इससे। ऑल दो एक चीज़ थी कि क्रीमीनेस बहुत प्रचुर मात्रा में, तो जो मलाई का जो टेस्ट था ना उसमें, साढ़ी जो कहते हैं ऊपर दही की जो मलाई होती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट काफ़ी पॉसिबिलिटीज थी इम्प्रूवमेंट की। अगर रेट करने को कहेंगे तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 7 out of 10, क्योंकि 35 रुपये में देर वॉर अलॉट मोर टू ऑफ़र। ऑल दो एक चीज़ मुझे पसंद आई कि ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था और उनका टेस्ट भी जो मिल के सामने आ रहा था इट वॉज़ गुड। सो अगर आप महाराजगंज आए, महाराजगंज चौराहे के आसपास, तो एक बार इनकी विनोद भाई की लस्सी की दुकान को ज़रूर ट्राई करें। एकदम एन चौराहे पे ये शॉप है, तो आप शायद अगर महाराजगंज से बिलोंग करते होंगे तो आप यहाँ पे गए होंगे। और आपको कैसा लगता है आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर महाराजगंज का कोई देख रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन सी जगह हैं महाराजगंज में जो हम ट्राई कर सकते हैं, या गोरखपुर में और कौन सी जगह आप हमें रिकमेंड करेंगे जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। लॉकडाउन खुल चुका है, रेस्टोरेंट्स शुरू हो रहे हैं, और इन शुरू होने के रेस्टोरेंट्स के शुरू होने के साथ साथ ये हंगर फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। किसी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सुझाव, कोई भी आपत्ति, कोई भी टिप्पणी, जो भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं foodpremi.in पे, मेरे साथ हैं गोरखपुर फूड्स। आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और बहुत सारी फूड रिकमेंडेशंस के लिए। फिर मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।